नमस्कार दोस्तों, हम सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेलटेल कॉरपोरेशन के बारे में। सरकारी कंपनी, इसमें ना बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है। ऑर्डर की वैल्यू जो है 51 करोड़ का है। और कहाँ से मिला, तो देखिए सेंट्रल वेयर हाउसिंग की तरफ से ये ऑर्डर मिला है। करना क्या है, तो इनको ना एक मॉडर्न वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम से ना सेटअप करना है। और डोमेस्टिक है, मतलब क्या, इंडिया की तरफ से ऑर्डर मिला है, इंडिया के अंदर ही ऑर्डर मिला है, तो इसलिए डोमेस्टिक के अंदर आता है। पर अब ये कब तक कंप्लीट करना है, तो 30 नवंबर 2029 से पहले ये पूरा सेटअप कर देना है। और साथ साथ में ये टोटल की वैल्यू कितना है, तो 51 करोड़ 53 लाख 29,790 रुपये का, 790 रुपये का एक तरह से ऑर्डर है। मतलब राउंड फिगर में वो बात किया जाए तो 51 करोड़ का ये ऑर्डर है, जो कि बहुत ही अच्छा ऑर्डर देखने को मिला। अभी आते हैं टेक्निकल को समझते हैं। तो टेक्निकल्स में देखिए, ऑलरेडी ये जो है ना एक सपोर्ट लेवल के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए एक रिजेक्शन देखने को मिला। रिजेक्शन किस लिए लिया है, तो देखो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, बराबर ये वाला एक आपको रेजिस्टेंस एरिया था पुराना। और मार्केट कभी भी हिस्ट्री को ना रिपीट करती है, तो यहाँ पे देखिए एक तरह से इस एरिया पे आकर ना ब्रेकआउट लेना चाहिए था, नहीं तो रिजेक्शन देखने को मिलता है। और सीधी बात है, एक रेजिस्टेंस एरिया पर ब्रेकडाउन की जगह पे इसने रिजेक्शन ले लिया। रिजेक्शन लिया साथ साथ में निफ्टी में 5 दिन से गिरावट रहा। पिछला जो हफ्ता था ना, 5 दिन तक गिरा था, शुक्रवार के दिन को छोड़कर बाकी सारे दिन गिरे थे, तो सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिला। मगर जो लास्ट का शुक्रवार था, देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया था, बराबर ना। अभी लास्ट में आज मंडे की बात की, मंडे दिन को बात किया जाए तो मार्केट में आज फिर दोबारा निफ्टी बैंक निफ्टी में सेलिंग हो रही है। तो इस वजह से इसमें देखिए 1% तक का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या हो सकता है, तो देखिए एक इसमें ना डबल टॉप पैटर्न बनाने का प्रयास किया है। और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है जो कि 344 रुपये का है। इसको अगर होल्ड करता है तो फिर हमको ना एक बाउंस बैक देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा हमारा इस कैंडल के हाई तक का, वो है 371 तक का। दूसरा टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई, जो ये रेजिस्टेंस एरिया है जो नजदीक का है, वो 409 रुपये तक का दूसरा टारगेट रहेगा। फिलहाल आपको ना एक चीज़ देखना है, वो है इस लेवल तक का होल्ड करना, 344 तक का। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।